अगर आज हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं जयराम भाई को, तो फिर कल को कोई जयराम भाई नहीं निकलेगा। कोई किसी को अगर जिताता है जनता, तो किसी को गिराता भी है। और जनता सबसे सब पार्टी से दुखी है, किसी से खुश नहीं है, क्योंकि जयराम महतो झारखंड के लिए सोच रहे हैं, चंदन क्यारी के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो हम आसू छोड़ के और जेवी केसेस के लिए कोई शख्स आया है जो है जयराम महतो, वो अभी किसी तरह का कोई पद में नहीं है, लेकिन फिर भी वो झारखंडियों के लिए बहुत कुछ कर। जयराम जी जिस मकसद से निकले हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। जो बाहरी लोगों को नौकरी मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ के बच्चे बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अब बहुत कुछ समझ चुके हैं कि अब इधर उधर का पार्टी को वोट देने से कोई फ़ायदा है नहीं। पैसा के लिए और भी पार्टी से जुड़ सकते थे, लेकिन जेवी केसेस में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड को देखना, झारखंड का नियम नीति को सुधार करना। जोहार, नमस्कार। और मेरे साथ अभी मौजूद है मीरा दास, और जो कि आज मैं इनका एक इंटरव्यू लेने वाला हूं, जो कि कुछ दिन पहले जेवी केसेस में दीदी शामिल हुए हैं। और ये हमको पता नहीं कि कौन सा पार्टी से थे, कौन सा पार्टी से नहीं, ये चलिए दीदी से अभी जानकारी लेते हैं। और एक बात, और एक बात, जो कि इनका ससुर जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, और ये देख सकते हैं जो कि पीछे लगा हुआ है, इनका फोटो लगा हुआ है, दुर्गा चरण दास, जो कि पहले एक मंत्री पद में रह चुके हैं पहले। तो चलिए दीदी से अभी पूछते हैं क्या कुछ अभी जेवी केसेस में किस लिए शामिल हुए हैं, क्या कुछ जेवी केसेस में देखें, और क्या दूसरा पार्टी और जेवी केसेस पार्टी में क्या कुछ बदलाव और अंतर दिख। पहले तो आपको जोहार दीदी। जोहार, और आपके चैनल को भी जोहार, पूरे चंदन क्यारी को भी मेरा प्रणाम, जोहार। दीदी, आप कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से आता है, जो कि हम उस दिन मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, उसी दिन आप जेवी केसेस में शामिल हुए हैं। तो क्या जेवी केसेस में ऐसा क्या है कि आप जेवी केसेस में आए दीदी? देखिए, जेवी केसेस ज्वाइन करना सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो जो शख्स हैं, वो क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, झारखंड के बारे में बात करते हैं। तो एक झारखंडी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपना झारखंड के बारे में, अपने बारे में पहले सोचे। और हम झारखंडी हैं, तो जिस हिसाब से जयराम महतो झारखंड को लेकर, झारखंड के अधिकार को लेकर, यहाँ के नियम नीति को लेकर बात करते हैं, तो हमको उनका विचार अच्छा लगा, तो हम उनका पार्टी ज्वाइन किए। क्या दीदी, आप कोई पार्टी से पहले बिलोंग करते थे? हाँ, समर्थक करते थे, सपोर्ट करते थे, हम आसू पार्टी को सपोर्ट करते थे इससे पहले। तो क्या आयसू पार्टी से कुछ आपको उस तरह से लाभ नहीं मिला, जो कि आप जेवी केसेस पार्टी में आगे शामिल? लाभ खुद के लिए नहीं था, लाभ हमारे झारखंडी लोग के लिए था, हमारे चंदन क्यारी को लेकर था लाभ। तो जब चंदन क्यारी अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है, और अगर चंदन क्यारी इसको सपोर्ट कर रहा है, उसके प्रति उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आसू पार्टी छोड़ के हम देखें कि जयराम महतो झारखंड के लिए सोच रहे हैं, चंदन क्यारी के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो हम आसू छोड़ के और जेवी केसेस के लिए सोचे। क्या ऐसा है जेवी केसेस में आप क्या देखें, क्या बदलाव देखें, क्या कुछ देखें जो कि जेवी केसेस में आप शामिल होंगे? सबसे बड़ी बात है कि झारखंडी पार्टी है, जयराम महतो झारखंड के लिए सोच रहे हैं, यहाँ का भविष्य के लिए सोच रहे हैं, यहाँ का बच्चे लोग के लिए सोच रहे हैं। 23 साल खत्म हो गया है, 24वां खत्म होने वाला है। आज तक यहाँ के जो भी बने विधायक मंत्री, जो भी बने, आज तक यहाँ के लिए किन्हीं ने नहीं सोचा है। अगर कोई शख्स आया है जो है जयराम महतो, वो अभी किसी तरह का कोई पद में नहीं है, लेकिन फिर भी वो झारखंडियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, जिसको किसी तरह का मुआवजा चाहिए, जिसको किसी तरह का हेल्प चाहिए, वो हर तरह का हेल्प कर रहे हैं। शिक्षा में हर बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, हर तरह का हेल्प कर रहे हैं। तो लग रहा है कि वो आएंगे अगर, तो हम लोग का, झारखंडियों का भविष्य सुधरेगा। अच्छा, आप पहले किन्हीं पद में थे, कोई पद में थे पहले जो कि इसके पहले? हाँ, हम यहाँ से समिति रह चुके हैं, और प्रमुख के लिए भी दावेदार थे। एक वोट से हरा दिया गया था। एक वोट से हरा दिया गया था, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, क्या मतलब क्या है इनका? उस वक्त प्रशासन के चलते ये काम हुआ था, दूसरा पार्टी। प्रशासन मतलब क्या, प्रशासन ने हरा दिया था? बिल्कुल, क्योंकि जीत मेरी हुई थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया तो उसको पलट दिया गया। अच्छा, एक वोट मतलब इधर उधर कर दिया? एक वोट इधर उधर कर दिया गया। ये तो बहुत ही गलत हुआ दीदी। बस यही सब को देखते हुए फिर से हम कोशिश किए हैं कि नहीं, अगर कोई सही पार्टी आया है तो हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलत तरीके से बहुत गलत हो रहा है, और अगर इसी तरह से गलत होते गया तो फिर झारखंड और चंदन क्यारी का स्थिति बहुत ख़राब होने वाला है।
दीदी, आप बोले कि कोई विधायक यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी 3-4 महीने बाद जो कि विधानसभा चुनाव की अक्टूबर महीना तीसरा सप्ताह से कुछ इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि विधानसभा चुनाव का भी जो शुरू होने वाला है, तो किस नज़रिया से देखते हैं? और अभी यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पार्टी है चंदन क्यारी में, जो कि उन लोगों के पास पैसा है दीदी, और ये जेबीके से जो पार्टी है एक नया पार्टी के साथ उदय हुआ है झारखंड में, और इनके पास टाइगर जयराम के पास पैसा नहीं है, और जेबीके से जितने भी पार्टी हैं इन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो किस तरह से आप लोग फाइट कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है जनता का, जिसके लिए आदमी मतलब जनता वोट देते हैं, जिस कारण से जनता कभी पैसा को नहीं देखता है, जनता अपना सुख सुविधा अपना अधिकार जो उन लोग को छोटा मोटा जो चाहिए उसके अनुसार वो लोग वोट देते हैं। और पार्टी हो क्यों नहीं जी, पैसा हो क्यों नहीं, जयराम जी जिस मकसद से निकले हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा, जो बाहरी लोगों को नौकरी मिल रहा है यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ के बच्चे बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अब बहुत कुछ समझ चुके हैं कि अब इधर उधर का पार्टी को वोट देने से कोई फ़ायदा है नहीं। कल ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड में हम लोग रहे भी नहीं, हम लोग को बाहर निकाल दिया जाए और बाहरी लोग झारखंड में इन कर दिया जाए, तो इसलिए बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, यहाँ का जितना भी स्टूडेंट खास करके स्टूडेंट लोग ज़्यादा एक्टिव है, वो लोग समझ गए हैं, वो लोग पैसा को नहीं देखेंगे, वो लोग अपना भविष्य देखेंगे, और भविष्य को देखते हुए वो लोग जयराम महतो को सपोर्ट करेंगे। यहाँ से बीजेपी अमर कुमार बावरी, जो कि 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो किस तरह से आप लोग बीजेपी पार्टी और जेएमएम पार्टी इन लोग से किस तरह से फाइट कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ा फाइट होता है जनता से, और जनता अगर सपोर्ट में है तो फिर किसी को अगर जिताता है जनता तो किसी को गिराता भी है, और जनता सबसे सब पार्टी से दुखी है, किसी से खुश नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार किस चंदन क्यारी में विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता का है कि नहीं, अगर जेबीके से आता है, अगर जयराम जी आते हैं तो जयराम को सब कोई सपोर्ट करेंगे। क्या दीदी, अभी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है और आप जेबीके में शामिल हुए हैं, क्या टिकट के चलते आप आए हैं कि कुछ जेबीके में काम करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम एक कार्यकर्ता बन के जेबीके में काम करने के लिए आए हैं, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश होगा वो स्वीकार है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, क्योंकि पार्टी अच्छा लगा है, उनका विचार अच्छा लगा है, तो हम भी सोचे कि नहीं, हम भी अपना कुछ, क्योंकि हम भी फील्ड में हैं, तो सोचे कि नहीं, अगर हमको ज्वाइन करना होगा तो हम जेबीकेएसएस ही ज्वाइन करेंगे, ताकि कम से कम उनके साथ काम कर सकें। अच्छा, काफ़ी आपका भी नाम सुने हैं, और आपका जो ससुर मतलब बोला जाए तो पहले मंत्री रह चुके हैं, और आप राजनीतिक घरानों से आप बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं ये घर चर्चे में है, और क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर चंदन क्यारी विधानसभा से आपको मान के चलिए अगर टिकट मिल जाता है, तो क्या कुछ कीजिएगा और किस तरह से क्या रणनीति बनाइएगा? देखिए, अगर पार्टी अगर उस तरह का अगर हमको एक पद अगर देते हैं अगर संभालने के लिए, तो चंदन क्यारी में जितना भी हम घर घर जाएंगे, जो भी असुविधाएं हैं, खास करके यहाँ पे शिक्षा का तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, शिक्षा हो गया, जैसे जिस तरह से और भी बहुत तरह का ये है, पानी का सुविधा नहीं है जगह जगह पे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो घर घर जाएंगे, जो जो यहाँ का सुविधा है वो सबको दूर करने का जरूर कोशिश करेंगे। ये भी एक मुद्दा आता है, जो कि वोट इलेक्शन के टाइम बहुत सारे वादे करते हैं लोग, नेता वगैरह जितना होता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाता है अपना पद हासिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के पास नहीं जाते हैं, अपने पॉकेट भरने का काम करते हैं। क्या लग रहा है कि जेबीकेएसएस अगर मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव में अगर जीत गए हैं, जयराम महतो सीएम बन जाएंगे, तो क्या लग रहा है पॉकेट भरने का काम करेंगे? भले जयराम महतो नहीं काम करेंगे, लेकिन जो विधायक उनके रहेंगे, क्या उन लोग पॉकेट भरने का काम करेंगे कि जनता के ऊपर जो जनता चाहेगा वो करेंगे? नहीं नहीं, जेबीकेएसएस ऐसा पार्टी है, और हम लोग जिस हिसाब से जुड़ रहे हैं, अगर हम लोग को जुड़ना होता, अगर पैसा के लिए जुड़ेंगे, जो भी जुड़ेंगे, जिनको भी जो भी टिकट पाते हैं, अगर वो पैसा के लिए जुड़ते तो और भी तो पार्टी है, पैसा के लिए और भी पार्टी से जुड़ सकते थे, लेकिन जेबीकेएसएस में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड को देखना, झारखंड का नियम नीति को सुधार करना है। अच्छा, और कुछ दिन पहले अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो आप लोग क्या कुछ कीजिएगा और किस तरह से लोगों के पास वोट मांगिएगा, जो कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है और दूसरे पार्टी लोगों के पास अभी पैसा है, तो क्या बिना पैसा से ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पैसा से बदल जाते हैं लोग? नहीं, कैसे वोट? ये तो गलत बात है कि पैसा से बदल जाते हैं लोग,
लोगों के डोर डोर जाएंगे, सबको सही चीज़ समझाएंगे कि अगर हम लोग का झारखंड के लिए ये काम होने वाला है, झारखंड का विकास के लिए ये काम होने वाला है। क्योंकि अगर आज हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं जयराम भाई को, तो फिर कल को कोई जयराम भाई नहीं निकलेगा घर से। क्योंकि अगर वो भी एक आम बच्चा है, वो भी स्टूडेंट है, वो भी आगे भविष्य अपना देख के आज इसी में निकले हुए हैं, तो हम लोग को उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग घर घर जाएंगे और सबको समझाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जहाँ तक लगता है कि सब आज समझदार हो गए हैं, क्योंकि 24-23 साल में लोगों बहुत ज़्यादा मतलब लोग परेशान है, जिस हिसाब से झारखंड का स्थिति है, यहाँ का नौकरी का जिस हिसाब से स्थिति है, यहाँ का मतलब बाहर से जो लोग आके जो बसे हुए हैं, यहाँ का जो ज़मीन ये हो रहा है, वो सब के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मान लीजिए दीदी, अगर कोई पद अगर आपको मिल जाता है तो किस तरह से काम कीजिएगा, और क्या गारंटी है कि आप मतलब बदल नहीं जाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे ससुर जी जो थे, मेरा तो बहुत बाद में शादी हुआ है, जिस हिसाब से आज तक उनका नाम सुन रहे हैं और लोगों से एक चर्चा सुनते हैं कि नहीं, वो कभी चेंज नहीं हुए। बहुत सारा पार्टी आया, उनको बुलाया उनको, लेकिन वो कभी अपना पार्टी छोड़ के नहीं गए, दोबारा उनको टिकट नहीं मिला, नहीं गए, तो हम भी कभी चेंज नहीं होंगे, इतना तो हम बोल रहे हैं। अगर दूसरा पार्टी आकर आपको ऑफर करता है, करोड़ों के रुपया ऑफर करता है, तो क्या लग रहा है कि आप ये पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में जा सकते हैं कि नहीं, क्या विचार है आपका? नहीं नहीं, कभी नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि हमको चंदन क्यारी का भविष्य देखना है। पैसा से, पैसा तो हो रहा है, नेता बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन वो मकसद हमारा नहीं है। अगर हम पार्टी में ज्वाइन किए हुए हैं तो चंदन क्यारी को सुधारने के लिए, झारखंड का सुधार लिए, जैसे जयराम भाई बोलेंगे वैसा ही होगा। ये देख लिए, जो कि मेरे साथ अभी मौजूद अभी है मीरा दास, जो कि इनका ये कहना है कि चंदन क्यारी में, जो कि अभी विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक आ चुका है और कहीं ना कहीं अभी गर्माहट पैदा होने वाला है झारखंड में, पूरा झारखंड में। तो चलिए और वीडियो के साथ मिलते हैं, जोहार, नमस्कार।